दोस्तों आपको एक एक करके सारी गाय विजिट करवाई है और इस वीडियो में आपको 7 गाय बताई है, उसकी प्रॉपर जानकारी भी बताई है, कौन से लैक्टेशन की है, कितना दूध देती है और कितने प्राइस है। तो आप यहाँ से खरीद सकते हो आराम से, आपके लिए और भी कम प्राइस हो जाएगी और आप 4 टाइम मिल्किंग करके खरीद सकते हो। नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका दिनू डेयरी फार्म में। तो दोस्तों आज हम आए हैं आपके लिए बहुत ही अच्छी गाय लेके आए हैं, गिर क्रॉस नस्ल की। तो कहाँ पे है तो एड्रेस जान दे एक बार सर से। तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर एक बार आप अपना एड्रेस बता दीजिए और आपका नाम बता दीजिए। एड्रेस से गांव बरसिंह, भाया शंभूगढ़, जैसी राशि, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान से। तो देख लो इन्होंने अपना एड्रेस बता दिया है और इनका नाम है गणपत जी वैष्णव है ना। गणपत जी वैष्णव है, बरसनी गांव है इनका और तहसील आसिंद है। कोई भी भाई अगर भिलवाड़ा का है या भिलवाड़ा के आसपास का है या मतलब पूरे राजस्थान से कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो आप कहीं से भी हो तो यहाँ से आप गाय खरीद सकते हो। इनके पास में हमेशा 20 से 25 गाय सेल के लिए अवेलेबल रहती है और बहुत ही अच्छी अच्छी गाय है और लाखों रुपए में राजस्थान में बिकने वाली गिर क्रॉस नस्ल की गाय है। और दूध के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल यही है गिर क्रॉस नस्ल की गाय। और किसानों का, हर किसान का सपना है कि हर किसान के पास में गिर क्रॉस नस्ल की गाय होनी चाहिए क्योंकि दूध ज्यादा देती है ये। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि फैट ज्यादा रहती है, बाकी दूसरी गाय होती है तो दूध ज्यादा देती है, उसकी फैट कम रहती है, इसकी फैट अच्छी रहती है। तो आप ये खरीद सकते हो। तो आपको एक एक करके सारी गाय की डिटेल बता देते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये पहले नंबर की बछड़ी है तो इसके बारे में जानते हैं। तो सर एक बार इसके बारे में आप बता दीजिए कितने महीने की है। 21 महीने की बच्ची है सर। 21 महीने की है ना। तो अभी ये प्रेग्नेंट है या नहीं है। अभी प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है ना। कितने महीने की है। 8 महीने और 15 दिन की प्रेग्नेंट है। 8 महीने और 15 दिन। अभी इनका ब्याहने का टाइम है 25 दिन। 25 दिन है ना। तो दूध के बारे में बात करें तो आपके हिसाब से कैसे क्या दूध देगी। दूध के बारे में इसी हिसाब से करें तो आज की कीमत इस बच्ची की 2,25,000 रूपए कीमत। और दूध अच्छा खिलाएंगे, अच्छा पिलाएंगे तो करीबन 10 से 12 लीटर दस से बारह लीटर दूध दे देगी। बहुत बढ़िया है। और इसकी हाइट लेंथ भी आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी इसकी हाइट है। 7 फीट करीबन है अंदाज़े हो रहे हैं। 7.5 फीट करीबन इसकी 21 महीने की बच्ची की हाइट है। बहुत बढ़िया है। देख लो केवल इसकी बहुत कम उम्र है, 21 महीने की है तो भी इसकी हाइट, बॉडी का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो बहुत अच्छी है ये। और अभी प्रेग्नेंट भी है तो कोई भी भाई खरीदना चाहता है फर्स्ट लैक्टेशन की तो आप ये खरीद सकते हो। और इनके कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं और आप इनसे कॉल करके बात कर सकते हो। और इनके पास में हमेशा के लिए गाय सेल के लिए अवेलेबल रहती है तो आप किसी भी समय इनको कॉल करके गाय के बारे में जानकारी ले सकते हो। तो चलिए बताते हैं दूसरे नंबर की गाय। तो ये दूसरे नंबर की गाय है तो इसके बारे में जानते हैं कौन से लैक्टेशन की है, कितना दूध देती है, क्या रेट है। तो सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, एक एक गाय की प्राइस भी बताएंगे और दूध भी बताएंगे और हर एक चीज आपको बताएंगे कौन सा लैक्टेशन है। तो इसके बारे में आप बता दीजिए कौन से लैक्टेशन की है। ये दूसरा बेच है। दूसरा बेच की है। आज ये कल सुबह की, दूसरा दिन में ब्याई हुई, कल सुबह ब्याई। पहले के बेच में 12 लीटर टाइम का दूध दिया। 12 लीटर चाइना पेट अपने छुप का पूरा। हाँ। अभी ब्याह की 2 दिन की। 2 दिन की ब्याह। बछड़ी है या बछड़ी है। तो अभी कितना दूध तैयार है। 7-8 लीटर टाइम का अभी है, 21 है और बाकी 12 लीटर 15 दिन बाद दे देगी। 12 लीटर 15 दिन बाद। तो कोई भी भाई अगर देख रहा है वीडियो तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, आप कहीं से भी गाय खरीदो या यहाँ से खरीदो तो सबसे पहले ये है कि आप दूर से तो ऑनलाइन आप मत मंगवाओ गाय, और यहाँ पे आओ फार्म विजिट करो और दूध 2, 3, 4 टाइम मिल्किंग करके आप बाद में लेके जाओ। आप पूरे संतुष्ट होके यहाँ से गाय लेके जाओगे और यहाँ पे कोई दिक्कत ऐसी नहीं है कि हमारे एरिया की गाय है तो सब जगह सूटेबल रहती है ये। तो और जानते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो एक बार आप प्राइस बता दीजिए इसकी। इसकी कीमत है आज हमारी मांग है 1,15,000 रूपए। और कस्टमर को देने की प्राइस, कस्टमर के ऊपर जो बोल देगा तो उसके हिसाब से बात हो जाएगी कि अपनी मांग 1,55,000 रूपए इस गाय। तो एक कस्टमर यहाँ आएंगे देखेंगे तो उसके लिए उसका हिसाब से रेट लग जाएगी, थोड़ी बहुत कम भी हो जाएगी आपके लिए। ऐसी कोई बात नहीं, फिक्स रेट नहीं है, जो फिक्स रेट है। तो आप जैसे कि कितने साल हो गए आपको ये करते हुए सेल परचेज का। करीबन 15 साल हो गए। 15 साल हो गए।
तो सबसे ज्यादा आपको कौन सा अच्छा लगता है, जैसे कि आप ऑनलाइन भिजवाते हो ज्यादा बेस्ट है या यहाँ आके कस्टमर देखता है तो ज्यादा लंबे टाइम तक? कस्टमर के ऊपर, कस्टमर अगर ऑनलाइन मंगाए तो टोटल गारंटी के हिसाब से भिजवा देंगे। सही है, तो आप बहुत सारी जगह गाय भिजवाते हो तो दूध की ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आती है? कोई कस्टमर लेके जा रहे हैं बाद में बोल रहे हैं दूध कम हुआ? नहीं, धोखे की बात नहीं है, ऐसी नहीं है ना। पूरी गारंटी के साथ में और पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये गाय सेल करते हैं, और कोई भी दिक्कत आती है जैसे कि वहाँ ले जाने के बाद में दूध कम होता है तो आपकी पूरी जिम्मेदारी रहती है? पूरी जिम्मेदारी गारंटी के साथ में। तो दोस्तों पूरी गारंटी के साथ में ये सेल कर रहे हैं, और आप यहाँ पे आइए और आराम से मिल्किंग देख के जाइए। और अभी ये तीसरे नंबर की गाय है तो इसके बारे में जानते हैं डिटेल, तो इसके बारे में आप बता दीजिए ये कौन से लैक्टेशन की है? ये फर्स्ट लैक्टेशन है और एक महीने की देवी हुई है, फर्स्ट लैक्टेशन की है ना? फर्स्ट है। और अभी ये 2 साल की बच्ची है। 2 साल की? तो नस्ल के बारे में बात करें तो एक बार आप बता दीजिए। फीवर गिर क्रॉस बच्ची है। गिर क्रॉस बच्ची है। व्यापारी खरीदार इस गाय का। सही है, तो समझदार है वो। सही है, बाकी तो बिना समझ वाले कुछ भी बोलते हैं, समझदार व्यापारी तो बोल दे। हाँ। तो ओरिजिनल गिर क्रॉस गाय इसी को बोलते हैं। सही है। इसकी कीमत है आज की 2,25,000 रूपए। 2,25,000 हमारी मांग है। हाँ, हाँ। बाद दिन लेने की बात बाद में, लेकिन 2,25,000 अपनी मांग है। तो कोई भी भाई देख रहा है तो ये रेट बता रहे हैं, वो कम भी हो सकती है। अगर आप यहाँ पे आओगे, इनसे बात करोगे और गाय को देखोगे, दूध देखने के बाद में खरीदोगे तो, और ये दूध बता रहे हैं 11 लीटर एक टाइम का दूध है ना? 11 लीटर आज की तारीख 22 लीटर पूरे दिन का इसका दूध है, और बहुत ही अच्छी गाय है। और नीचे ये बछड़ी है? हाँ, ये बछड़ी है। और कितने दिन हुए? एक महीना हो गया है ना। हाँ। एक महीना हो गया। पहला लैक्टेशन? पहला लैक्टेशन 2 लाख बच्ची है, हमारे हिसाब से 2 लाख गिरते हैं। हमारे निकालने में कोई दिक्कत नहीं, कोई भी निकाल सकता है, टोटल गारंटी। तो आपके यहाँ फार्म की गाय इतनी सारी गाय है, 20-25 गाय है। हाँ। तो दूध निकालने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि मतलब कोई लेडीज को नहीं निकालने देती है, कोई आदमी को नहीं, कोई बच्चे बच्ची निकालो, लेडीज निकालो, जेंट्स निकालो, कोई भी निकालो, आराम से सब दूध निकाल सकते हैं। बहुत ही शांत स्वभाव वाली है सारी गायें। अभी आप देख रहे हो इस गाय की मिल्किंग कर रहे हैं भैया। तो ये है 4 नंबर की गाय है, तो इसके बारे में जानते हैं ये कौन से लैक्टेशन की है और कितना दूध दे रही है? सेकंड लैक्टेशन है। सेकंड है ना। हाँ। और एक महीने की डिलीवरी हो गई। एक महीना और करीबन इसके अभी 11 लीटर टाइम का दूध है। टाइम का 11 लीटर। एक महीने में पूरा प्रॉपर दूध आ जाता है। हाँ। तो अभी जैसे कि 11 लीटर इसका टाइम और बढ़ने की कोई संभावना नहीं बढ़ेगा? अगर खिलाने पिलाने की अच्छी व्यवस्था रखेंगे तो 14-15 टाइम कर देगा। अच्छा, तो आप बोल रहे हो खिलाने पिलाने में, तो आप क्या खिलाते हो इनको? खिलाने पिलाने में तो देखो जो गिराए खिलाए उस हिसाब से, बाकी तो जैसे खिलाएंगे वैसे दूध देगी। हमारे तो अभी तोड़ा क्या था वो फ्रेश डेरी का होता के अंदर जो घाट है, और लक्ष्मी कांथल है, बाजरा है, मक्का है, तो सब मिला के उनको उबाल के मिक्स वाला गिल खिला। तो सूखे हरे में क्या खिलाते हो? सूखे हरे में तो अपने पास कोई है भी नहीं। अच्छा। वही अपने चौमासे के टाइम पे खिलाते, बाकी गर्मी और सर्दी के टाइम पे केवल सूखा खाकला और सूखा मटा। इससे अपन ये दूध ले रहे हैं तो है। अगर गिल्ला वो जो आप बोल रहे हैं ना घास हिसाब से, वो तो कहने का मतलब है और ज्यादा दूध बढ़ाएगी। सही है, खिलाने पिलाने के ऊपर दूध तो दे। नॉर्मल डाइट है इनके बारे में। हाँ। ये फीड खिलाते हैं इसको, और हरा चारा बिल्कुल भी नहीं खिलाते। हाँ। हैं सूखा थोड़ा बहुत मिलता है इनको। तो आप भी देख लो, अगर आपके फार्म पे लेके जाने के बाद में आप अगर अच्छी केयर करोगे, अच्छा हरा चारा डालोगे, फीड ज्यादा खिलाओगे और सूखा चारा अच्छा मेंटेनेंस रहेगा, तो आराम से दूध इससे भी ज्यादा बढ़ेगा। 11 लीटर एक टाइम का दूध है तो आराम से दूध बढ़ेगा इसका। 15 लीटर तक आप इसका दूध बढ़ा सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दूध घट गया तो मतलब उसकी खुराक अच्छी नहीं रहती है, खिलाने पिलाने का ही फर्क रहता है, इसलिए वो दूध पूरा नहीं देती है गाय। आप अच्छा खिलाओगे तो अच्छा दूध देगी गाय। तो इस प्रकार से इन्होंने इनके बारे में बताया। हाइट वाली गाय है, गेट क्रॉस गाय जिसको बोलते हैं। हाइट में आप देख सकते हो हमारे से थोड़ी सी बड़ी है, बाकी देख लो इतनी इसकी हाइट है। तो इसके रेट के बारे में बता दीजिए। 1,65,000 रूपए। 1,65,000 रूपए ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कमेंट करके कि बहुत ज्यादा रेट है, क्योंकि गिर क्रॉस गाय मतलब बहुत ही ज्यादा इनकी डिमांड है। राजस्थान में तो सबसे ज्यादा डिमांड है, क्योंकि दूध में बहुत अच्छी है, फैट भी अच्छी देती है ये, और कभी बीमार भी नहीं होती है, मेडिकल का खर्चा बिल्कुल भी नहीं आता, इस वजह से इसकी कीमत ज्यादा ही है। और दूध की क्षमता आप जितने अच्छा खिलाओगे उतना दूध। हमारे आशीन सर्कल की गाय है, बाहर की गाय नहीं रखते हैं हम। सही है। और हमारे जंगल से 20-20 किलोमीटर एरिया की गाय है। सही है। अलग कोई मतलब दूसरा राज्य, बहुत सारे लोग गुजरात से मंगवाते हैं, पर ये हमारे एरिया की गाय है,
तो कोई भी भाई राजस्थान से देख रहा है तो आप बेझिझक ये गाय खरीद सकते। दोस्तों ये है पांचवे नंबर की गाय है, तो इसके बारे में जानते हैं डिटेल। और अभी इसकी मिल्किंग भी हो रही है, तो लाइव मिल्किंग भी देखते जाना आप, और इसकी डिटेल भी आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। तो भैया एक बार बता दीजिए इसके बारे में, ये कौन से लैक्टेशन की है? ये फर्स्ट लैक्टेशन है। हाँ? और आप 20 दिन की गई हुई है? 20 दिन की गई हुई है ना, फर्स्ट में 10 दिन के बाद 10 दिन। तो दोस्तों देख सकते हो पहला ज्ञात है इसका, उसमें भी देख लो आराम से दूध निकला रही है, और आंटी जी से दूध इसका दूध निकाल रहे हैं, और केवल 10 दिन की हुई है आराम से। बाकी बहुत सारी गाय ऐसी होती है तो फर्स्ट लैक्टेशन वाली होती है तो दूध निकालने में बहुत दिक्कत आती है, पर ये गाय देख लो आराम से दूध निकला रही है। तो कितना अभी दूध दे रही है? दूध है अभी तो 5-10 दिन की भी हुई, लेकिन छोटी गाय छोटी के हिसाब से 8 लीटर अभी दूध है। 8 लीटर दूध है ना, तो 9 लीटर 16-17 लीटर दूध दे रही गांधी के साथ। ये तो पूरे महीने तक आएगी तो आराम से दूध और बढ़ेगा, 10 लीटर हो जाएगा। तो इसकी क्या रेट रहेगी? छोटी कीमत है इसकी 95,000 छोटी गाय छोटी है, तीन लीटर बच्ची है। बहुत बढ़िया है, देख लो की चोस है टॉप क्वालिटी की। हाँ। और केवल इसकी हाइट ही कम है, इसकी वजह से इसकी रेट भी कम है। बाकी इसकी क्वालिटी देख के बहुत ज्यादा रेट होती। हाँ। पर फर्स्ट लैक्टेशन की है तो आप देख सकते हो मात्र 95,000 रूपए में आप खरीद सकते हो ये। और आप ये छठे नंबर की है, तो इसके बारे में जानते हैं कौन से लैक्टेशन की है। ये फर्स्ट लैक्टेशन हो और उम्र में दोनों गाय बराबर है, दोनों बराबर है ना, थोड़ी सी हाइट है, थोड़ी सी इसकी हाइट है उनसे ज्यादा, बाकी हाँ। दूध उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा इसका दूध है। अभी ये भी 10 दिन की गई हुई है, 10 दिन की और 10 लीटर टाइम का दूध है, अभी टाइम का 10 लीटर हाँ। दूध है। तो देख लो आप, ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देख रहे हो और हम बोल रहे हैं कि 10 लीटर, ये नहीं, आप यहाँ पे आ सकते हो आराम से और 10 लीटर पूरा दूध नाप के, पूरी जिम्मेदारी है आपकी, पूरा नाप के आप यहाँ से खरीदे। और कितने टाइम आप कोई भी बाहर से आता है कस्टमर तो मिल्किंग करने करके देख के ले जाने ले जा सकते हैं, बोल दे तो रात को 9 बजे तक दोबारी रोक दे, सुबह 4 बजे से 8 बजे तक रोक दे। तो आप जैसे कि कोई भी आता है तो कितने टाइम तक आप मिल्किंग करवा सकते हो उसको, जैसे कि 3 या 4? हमारे विश्वास से तो अपन बोलते हैं एक बार ही करो, बाकी 2 टाइम करो 3 टाइम करो 4 टाइम करो, जैसे घर का ग्राहक संतुष्ट हो जावे उस हिसाब से इनकी मिल्किंग करवा। जो ईमानदार व्यक्ति होता है तो बोलता है देख लो आराम से आप 4-5 टाइम मिल्किंग करके लेके जाओ, क्योंकि वो सही बता रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से दूध आप नाप तोल के देख के ले जा सकते हो गाय। तो आगे जानते हैं इसकी रेट बता दीजिए एक बार आप। इसकी कीमत है 1,15,000 रूपए 1,15,000 रूपए है ना, बहुत बढ़िया है। और ये है सातवें नंबर की गाय, तो इसके बारे में जानते हैं अभी ऐसे डिटेल। तो इसके बारे में आप बता दीजिए ये कौन से लैक्टेशन की है। ये तीसरा, तीसरा है ना? हाँ, ये तीसरा है, ये तीसरा है सर, तीसरा लैक्टेशन है। तो अभी नीचे बछड़ी है या? नीचे बछड़ी है सर, बछड़ी है। तो कितने दिन की है? आज हो गया इसको 5वां दिन गए हुए, 5वां दिन हो गया। पहला बेट अपन पूरा चुका हो इनका, इसका है ना 13 लीटर टाइम का दूध दिया हुआ पहले के बेट में, पहले के बेट। अभी 4 दिन की दी हुई तो 7 या 8 लीटर दे रही है, 7-8 लीटर बढ़िया है। 12-13 लीटर दूध माप के देंगे 15 दिन बाद। अच्छा, 15 दिन बाद में आप 12-13 लीटर दूध नाप के खरीद सकते हो। हाँ। और देख सकते हो अभी वीडियो बन रहा है, इसके 15 दिन बाद में आप ये 15 लीटर तक दूध माप के आप खरीद सकते हो, आपको माप के देंगे पूरा दूध। और इसकी रेट एक बार आप बता दीजिए। आज की वजह से इसकी रेट है कीमत 1,10,000 रूपए 1,10,000 रूपए की वजह से, लेकिन थोड़ी कम है उसके हिसाब से, ये कीमत में कम और उम्र के हिसाब से। तो दोस्तों ये है, तो ये है 8वें नंबर की गाय, तो इसके बारे में जानते हैं भैया से, तो इसके बारे में बता दीजिए नस्ल में कौन सी नस्ल है। एफन गाय, इसको बोलते हैं नंबर में एफन गाय आती है ये। हाँ। पहला बेट अपन पूरा इनका छूटा हुआ है। अच्छा, और 11-12 लीटर दूध टाइम का दिया हुआ है। अब दूसरा भी आएगी टाइम, इसके तकरीबन 10 या 15 दिन टाइम बाकी है, 10 या 15 दिन बाकी है ना, बहुत बढ़िया है। और दूसरा ब्याह है, पहला ब्याह ये बोल रहे हैं कि हमने यहीं पे रखी थी। हाँ। और आराम से 10-11 लीटर है, 10-11 लीटर पहले में भी निकला था। और अब कितनी उम्मीद है आपकी, कितना निकल सकता है? से 12-13 लीटर दे देगी अब की बार, 12-13 पहले में ये निकला तो अब की बार तो बढ़ के निकले। सही है, तो इसकी क्या प्राइस रहेगी? इसकी कीमत है 1,15,000 रूपए 1,15,000 रूपए है। सारी गाय इधर वाली आपको विजिट करवा दी है, सभी गाय एक से बढ़ के एक गाय है और बहुत ही अच्छा। अभी आप देख रहे हो थोड़ी सी दुबली लग रही है क्योंकि नॉर्मल डाइट है, अगर आप अच्छी केयर करोगे इससे भी आप इसको डबल बना सकते हो। तो आप यहाँ से खरीद सकते हो ये सारी गायें।
और मिलते हैं अगले वीडियो में। इनके कॉन्टेक्ट नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पे, तो आप इनसे संपर्क जरूर करिए। और इस साइड में कोई से भी एरिया में आराम से सेट होगी ये गाय, बहुत ही अच्छी गाय है, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ये नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं।